आओ देखने हैं कि थोड़े विचों केड़ा केड़ा साढ़े नाल सैंपल आंसर शेयर करता है। कॉमेंट सैक्शन इस्तेमाल करो, बेस्ट आंसर नूं असी रिवॉर्ड करांगे। तुहानूं आयल्स राइटिंग बूस्टर के उपर स्पैशल डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा, एक ऐसी स्पैशल बुक जो टास्क वन टास्क टू दोनों प्रिपेयर करन च तुहानूं हेल्प करती है। तो ये तुहानूं बैंड 7 तक के राइटिंग टास्क मिलते हैं। तो बेस्ट थिंग हैगी इस बुक की कि ये मोस्ट एक्सपैक्टेड टास्क वन टास्क टू ने जो तुम नोटिस कर ही रहे हो, क्योंकि पिछले किन्ने महीनों तो एग्जाम जोड़े जोड़े भी आ रहे हैं उन्होंने सारिया जो टास्क वन टास्क टू आ रहे हैं वो आयल्स राइटिंग बूस्टर ऑलरेडी अवेलेबल है। सत श्री अकाल पंजाबीओ, की हाल है तो किदां चल रही है तुहाडी आयल्स प्रैपरेशन। तो मैं तुहाडे नाल अज दा जिहड़ा वीडियो है उहदे विच कुछ नवां तुहाडे नाल डिस्कस करन जा रहा हां। तो वह हैगा टास्क वन आयल्स GT कैंडीडेट्स। निराश ना होयो क्योंकि आने वाले वीडियो च तुहाडे लई मैं लेके आवांगा आयल्स GT दी टास्क वन जिहनूं असीं लेटर बोलदे हां, लेकिन अज दा वीडियो आयल्स एकेडमिक दी टास्क वन जो कि एक ग्राफ है। मैं तुहानूं एक ग्राफ शेयर करूँगा जो कि तुहानू थोड़ा डिफरेंट लग सकता, क्योंकि मे बी तुसी क्लासरूम से जड़े प्रैक्टिस करते हो शायद वो ग्राफ इन्हां नाल मेल ना खांदा होवे। इहो जिहे ग्राफ नू किदां कैटेगराइज़ करना, इन्फॉर्मेशन नू किदां अंडरस्टैंड करना ते किदां प्रेजेंट करना, ये सारियां चीज़ां मैं तुहाडे नाल अज दे वीडियो च शेयर करांगा। इन्फॉर्मेशन तुहानू सारियां नू नज़र आ रही है वो हैगी है एजुकेशन लैवल बाय एज रेंज, मतलब एज दे अकॉर्डिंगली एजुकेशन अटेन करना। 16 to 24, 24 to 35, 35 to 50, 50 to 75 ते 75+, मतलब ये सानू डिफरेंट एज ग्रुप्स दिते गए हैं। एज ग्रुप से अंदर तुहानू ब्लू बार, ऑरेंज बार ते ग्रे बार्स नज़र आ रही ने, तो इतों ये नहीं गा मतलब कि 71 यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर्स, 20 स्कूल सर्टिफिकेट्स ग्रे नो क्वालिफिकेशन दे लई है। तो तुसी इदां पढ़ो इनू कि 71 बच्चों ने यूनिवर्सिटी डिग्री हासिल की थी, ते 20 ऐड करके उहदे विच कहो कि 91 ने स्कूल सर्टिफिकेट, ते उपरले 9 ऐड करके कहो कि 100 ने क्वालिफिकेशन, जिन्हां दी सीगी वो है ही नहीं सी नो क्वालिफिकेशन। सो ये पाण दा तरीका कि तुहानूं रादर कि वह तीन अलग अलग बार्स देंदा एज 16 to 24 दे लई, जिहदे विच तुहानूं दसदा कि इन्ने 71 यूनिवर्सिटी डिग्री वाले, 20 स्कूल सर्टिफिकेट्स वाले ते 9 विदाउट क्वालिफिकेशन। सो उन्हें ग्राफ दे साइज़ नूं ते बैटर बनाने दे लई उन्हें की किया कि तीन बार्स बनाने के बजाय इको बार नूं यूज़ किया, लेकिन उन्हें डिफरेंट कलर्स दे नाल डिफरेंट इन्फॉर्मेशन नूं प्रेजेंट किया। तो इस वीडियो दे विच आपां यही देखना कि अगर सानूं इन्फॉर्मेशन इस तरीके दे नाल दित्ती है तो असीं इहनूं किदां अंडरसटैंड करांगे, किदां कैटेगराइज़ करांगे। कैटेगराइज़ करन दा मतलब यही हुंदा कि असीं उन्हां सारियां बार्स नूं इक साइड ते कर लईए जिहड़ियां इको जिहियां सानूं लगदियां ने, रिमेनिंग हाफ दे विच असीं दूसरियां दी गल कर लांगे। तो जे कोई सानूं इंट्रस्टिंग फैक्ट लगदा या जिहदे विच कोई खास चेंज नहीं हैगी, जे सानूं जरूरत होए तो असीं बिल्कुल एंड विच उहनूं प्रेजेंट करदे हां, क्योंकि असीं ज़्यादा ध्यान रखना 150 वर्ड्स लिमिट जो 60-65 तक हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस असी ये देखना कि बहुत ज़्यादा फिगर्स नू मेंशन ना करिए, एट एन एवरेज कोई 7-8 या 6-8 के विच एवरेज फिगर्स नू मेंशन करके, बाकी डिपेंड भी करता कि किनिया ज़्यादा फिगर्स ने, बहुत ज़्यादा फिगर्स होनी तो ओबियसली थोड़ियाँ ज़्यादा हो जाती ने, अदरवाइज लैंग्वेज ना प्रजेंट करिए, क्योंकि साड़ा काम यही है दिती हुई इन्फॉर्मेशन पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन असी सेंटेंसेस लैंग्वेज प्रजेंट करना। पहले विच 71 क्लोज टू 3/4 आ, 20 स्कूल सर्टिफिकेट होल्डर्स लेस देन 1/4 आ या 1/5 आ, आई होप यू अंडरस्टैंड, नहीं तो मैं दस देना तुहानू छोटा जिहा इहदे विच साडा मैथ इनवॉल्वड आ, 1/4 मतलब 25/100 कट्टिया तुसीं उपरों 25 × 1 = 25, 25 × 100, सो 1/4 इहनू एक्चुअली 25%, दैट इज़ क्वार्टर बोल देंदे आ। सो जदों 2 हो जाणगे क्वार्टर तां इह तां सारिआं नूं पता कि हाफ हो जाँदा, जे ही 25, 25, 25 तीन क्वार्टरस हो जाणगे तां असीं कहांगे कि 75% ऑफ द पीपल या ऑलमोस्ट 3/4
राइट। सो इस तरीके जो भी होंगे ने तो भी दे असं की मन के चलते हैं जिमें भी बटा सौ कर लो एक बटा पाँच आ गया कट के। सो वन फिफ्थ ऑफ द पार्टीसीपेंट्स वन फिफ्थ ऑफ द बायर्स वो डिपेंड करता जो भी इंफॉर्मेशन है इतने वन फिफ्थ ऑफ द ए पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों की गल करा आप तो थानू नज़र आ रहा है कि वन टेंथ या नाइन डायरेक्टली अगर कहना चाहोगे आउट ऑफ हंड्रड है जोड़े वो की करते ने उन्हों कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। सो देखने वाली चीज़ यही है कि थानू पहले तीन एज ग्रुप के काफ़ी सिमिलैरिटी नज़र आ रही है जिद 16 की उम्र तो लैके तकरीबन 50 साल तक के तीन एज ग्रुप्स ने जड़े उन्होंने अंदर थानू की नज़र आ रहा है कि जेडे यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर्स की प्रपोर्शन आ वो सब तो ज़्यादा एट एन एवरेज क्लोज टू 3/4 जे स्पेसिफिकली मैनशन करोंगे तो 16 तो 35-50 ग्रुप के 71 तो 24-25 जो 35 एज ग्रुप आट एन एवरेज आउट ऑफ 176 लोग जोड़े है उन्होंने को यूनिवर्सिटी डिग्री आ फॉलोड बाय आई वुड से स्कूल सर्टिफिकेट। स्कूल सर्टिफिकेट जोड़ा है 1/5 आ वो जो कि यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डरस के मुकाबले काफ़ी घट है। एंड फाइनली आप गल कर सकते हैं कि 9 जड़े है नो क्वालिफिकेशन इनफैक्ट साढ़े को टाइम मैनशनड 2010 सो साड़ी सारी जी गलबात होएगी वो पास्ट इंडेफिनेट होएगी कि NAC तो इन सब तो ज़्यादा माइनॉरिटी है जड़ी सब तो ज़्यादा घट गिनती किनारी से जिन्हों को किसी तरह का कोई क्वालिफिकेशन नहीं सी जो एट पार रहा एट पार मतलब सेम रहना सिमिलर रहना सारे ही पहले जड़े तीन एज ग्रुप्स ने। इंटरस्टिंगली आपां नूं कोई चीज़ इंफॉर्मेशन अगर आप देखिए इन कॉन्ट्रास्ट जिहड़ा सानूं की नज़र आ रहा कि अगर मैं मैच्योर तो बाद एज्ड ग्रुप की गल करा जो कि बुजुर्ग होंदे ने 50 तो लेके 75 इन्हां बुजुर्गों दे विच तुहानूं काफ़ी फर्क नज़र आ रहा पैटर्न दे विच जिथे जिहड़ी यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डरस की प्रपोर्शन घट के सिर्फ किन्नी रह गई 50 जो स्कूल सर्टिफिकेट्स की प्रपोर्शन है हजे भी वो किन्नी रही है सिमिलर 1/5 लेकिन इत्थे जड़ा तुहानू विदाउट एनी क्वालिफिकेशन या इलीटरेट जिन्हां कोल कोई क्वालिफिकेशन नहीं सीगी उन्हां दी प्रपोर्शन आ जिहड़ी वध के किन्नी होगी 3 times एज कंपेयर टू दी अदर या यंगर एज ग्रुप्स मतलब इन्हां दे मुकाबले 3 times ज़्यादा जो कि 30 है। तो आप इंटरस्टिंगली ऐड कर सकते हैं इस फीचर नू जिहड़ा अपने को लास्ट नज़र आ रहा क्योंकि जे तुसी सीनियर मोस्ट एज ग्रुप की गल करिए जिहदे विच सब तो ज़्यादा उम्र के लोग ने जो कि 75+ ने तो इतों ही क्लीयर आ कि उन्होंने जी पॉपुलेशन आ वो मेजोरिटी है जड़ी क्योंकि इतने 72 दैट इज़ क्लोज टू 3/4 जड़े कौन ने बिना किसी क्वालिफिकेशन के ने इतने मामूली 25% या रादर आप इतने स्कूल सर्टिफिकेट्स वाले की कर सकते हैं कि उन्होंने गिनती निगलीजिबल सी क्योंकि 3% मतलब बहुत थोड़ा निगलीजिबल कह सकते हैं तो जोड़े यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर से करीब करीब 25 दैट इज़ 1/4 से ये पहले 3 ग्रुप्स के बिल्कुल उलट जेड़ा ए हैगा क्योंकि उधर ये जड़े तुहानू नज़र आ रहे थे 3/4 जड़े यूनिवर्सिटी होल्डर्स आ रहे थे इत्थे कट के सिर्फ 25 रह गए। मैं उम्मीद है कि तुसी बड़े कंफर्टेबली इस चीज़ नू फॉलो कर लिया कि किदा इन्फॉर्मेशन नू प्रेजेंट करीदा। तो एक चीज़ मैं तुहानू जरूर दसूँगा कि ओवरऑल जरूर लिखो अपनी टास्क दे विच ओवरऑल तो एक जिवें खास तौर पर पहली गल तो मैं उहदी गल करा कि टॉप ते रखो उहनू कई बच्चे एंड ते लिखदे आ कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड ते लिख लो फाइन आ याद रखियो कि तुसी लिखना ओवरऑल टॉप ते अगर लिखते हो तो बेनीफिट ये है कि एग्जामिनर नूं एक क्लीयर इंडीकेशन आंदा है कि एक स्मार्ट स्टूडेंट है जो स्टार्ट करन तो पहला ही जानता है कि ओवरऑल ट्रेंड इहदे अंदर की नज़र आ रहा जेकर टॉप ते लिख दोगे तो अच्छा रहेगा आई वुड से। तो अगर आप ओवरऑल देखिए तो ओवरऑल दे विच मैं एक चीज़ दसदा तुहानू कोशिश करया करो कि फैक्शन एंड फिगर्स ना लिया करो दूसरी चीज़ किसी एक चीज़ के उपर फोकस होकर ना लिखा करो कि इस एज ग्रुप ने आ किया या उस एज ग्रुप ने आ नहीं किया
ओवरऑल मतलब सारे दे सारे नूं अगर देखिए तो की नज़र आता तो मैं उम्मीद है कि तुहानूं भी उही नज़र आ रहा जो मैनू नज़र आ रहा कि जिवें जिवें एज ग्रुप आ जिहड़ा वधदा उहदे विच तुहानूं इह चीज़ साफ नज़र आ रही है कि मैच्योर एज ग्रुप दे विच क्वालिफिकेशन आ जिहड़ी जां जिहड़ी उन्होंने एजुकेशन लैवल अचीव की आ उह किते घट आ एज कंपेयर टू दी यंगर एज ग्रुप, क्योंकि जिवें तुसीं एज वाइज अगे चलते हो जिहड़े न्यू क्वालिफिकेशन वालिआं दी गिनती लगातार वधदी जांदी आ ते होर भी क्वालिफिकेशनस ने चाहे उसूल सर्टिफिकेट या यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ ने वह कंटीन्यूअसली उहदे विच तुहानूं डिकलाइन नज़र आंदा। इस सारी इन्फॉर्मेशन नूं ध्यान च रख के इंट्रोड्यूस कराऊंगे, ओवरऑल लिखोंगे, मूविंग टू डिटेल्स विच पहलां तुसीं यंगर एज ग्रुप नूं लैके चलो, मैच्योर नूं लैके चलो, सीनियर मोस्ट एज ग्रुप की इन्फॉर्मेशन नूं प्रेजेंट करो। आओ देखने कि थोड़े विचों केड़ा केड़ा साडे नाल सैंपल आंसर शेयर करदा, कॉमेंट सैक्शन इस्तेमाल करो, बेस्ट आंसर नूं असी रिवॉर्ड करांगे, तुहानूं आईएलएस राइटिंग बूस्टर दे उपर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। एक ऐसी स्पेशल बुक जो टास्क वन टास्क टू दोनों प्रिपेयर करन च तुहानूं हेल्प करदी है, ते इहदे विच तुहानूं बैंड 7 तक दे राइटिंग टास्क मिलदे ने। ते बेस्ट थिंग हैगी इस बुक दी कि इहदे विच मोस्ट एक्सपेक्टेड टास्क 1 टास्क 2 ने जो तुसीं नोटिस कर ही रहे हो, क्योंकि पिछले किन्ने महीनों तो एग्जाम जिहड़े जिहड़े भी आ रहे ने उन्हां सारिआं दे विच जिहड़े टास्क 1 टास्क 2 आ रहे ने वह आईएलएस राइटिंग बूस्टर दे विच ऑलरेडी अवेलेबल हैगे ने। इस टास्क दा भी सैंपल आंसर तुहानूं राइटिंग बूस्टर च मिलदा, तो क्यों ना हुणे ही तुसीं अपनी नोटबुक लो या अपने मोबाइल दे उपर इस टास्क का सैंपल आंसर शेयर करो। अगले वीडियो च मैं थोड़े नाल शेयर करांगे दा रीजनेबल सैंपल आंसर। वीडियोज़ ते इस चैनल नूं इदां ही फॉलो करदे रहो, अपने दोस्तों नाल भी शेयर करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।